जय भीम साथियों, जो भी मिशन के सच्चे साथी हैं, उन साथियों को इस वीडियो में दी गई जानकारी को जरूर देखना चाहिए और सुनना चाहिए। इसलिए आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में दी गई जानकारी को ध्यान से सुनें और वीडियो को स्किप मत करें। आईटी सेल यह सब थोड़ी हटकर है। किसी व्यक्ति द्वारा अनजाने में पहली बार सुना जाए तो सुनने के बाद कोई व्यक्ति सोच में पड़ सकता है कि आखिर आईटी सेल का मतलब क्या होता है। हम सोचने लगते हैं कि आईटी सेल कोई डिग्री होगी। जरूर 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 ऐसा होता है, क्योंकि दोस्तों जब किसी चीज या वस्तु या टेक्नोलॉजी से जुड़े ऐसे नाम अचानक पहली बार सुनते हैं तो हम जरूर चौंक जाते हैं और हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर यह तो एक पार्टी है। फिर इस पार्टी में आईटी सेल का क्या मतलब होता है, आईटी सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है और आईटी सेल क्या है, आइए दोस्तों हम वीडियो में जानते हैं। आपने देखा होगा अपने देश में कई बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे आजा समाज पार्टी, बीएसपी आदि। इन पार्टियों में एक नाम आईटी सेल का आता है। अब इसी आईटी सेल को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि आईटी सेल का समूह एक राजनीतिक पार्टी के लिए क्यों जरूरी होता है और आखिर क्यों इन्हें रखते हैं। आपने देखा होगा भारतीय राजनीतिक पार्टी अपनी पार्टी का बड़ा चढ़ाकर पैसा पैचा कहने के लिए आईटी सेल का एक समूह बनाकर रखते हैं, और ऑनलाइन प्रचार प्रसार करने के समूह को हम आईटी सेल कहते हैं। अब आप इस जानकारी को प्राप्त कर बहुत कुछ समझ चुके होंगे कि आईटी सेल का मतलब अच्छा अच्छा यह होता है। वीडियो में जो भी जानकारी मेरे चैनल द्वारा साझा की जाती है तो वीडियो में बताई गई जानकारी क्लियर होती है और समझने में भी आसानी हो जाती है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश में नई राजनीतिक पार्टी जिसका नाम है आजा समाज पार्टी, इस पार्टी में हाल ही में आईटी सेल को लेकर भीम आर्मी चीफ माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने लगभग 2 माह पहले घोषणा की थी कि आई एम गोइंग टू मेक आईटी सेल, और आईटी सेल का संगठन बना दिया गया। जब किसी संगठन का निर्माण किया जाता है तो संगठन को ईमानदारी और सही तरीके से संचालित करने के लिए उसमें कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है, वर्कर्स की आवश्यकता पड़ती है, जिससे संगठन को मजबूत बनाया जा सके और चलाया जा सके। संगठन तो बना दिया गया और संगठन के लिए ऑफिसर्स एंड वर्कर्स भी चुन लिए गए। वर्तमान में आईटी सेल से चुने हुए जो ऑफिसर और वर्कर्स हैं, सभी वर्कर्स द्वारा पार्टी का प्रसार प्रचार करने का काम किया जा रहा है। अब आईटी सेल को और भी जटिल तरीके से समझना है तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आईटी सेल एक समूह होता है जो ऑनलाइन अपने समूह संगठन और पार्टी की अच्छी अच्छी खबरों का प्रचार करता है। मतलब आईटी सेल अपने समूह को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन तरीके से उसका प्रचार प्रसार करता है, और प्रचार में केवल यह संगठन की अच्छी अच्छी खबरों को ही बड़ा चढ़ाकर प्रसार करता है। हमें उम्मीद है सभी मिशन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को आईटी सेल से संबंधित जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। तो साथियों इस वीडियो को शेयर कर दें।